हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के टू के मोटो व्लॉग्स। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट्रो स्टाइल वाली अपकमिंग बाइक्स के बारे में। रेट्रो डिजाइन और स्टाइल वाली अपकमिंग बाइक्स जो 2023 में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। सो इस लिस्ट के अंदर टोटल 6 बाइक्स हैं और इन सब बाइक्स का लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म है। सो सबसे पहली बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है बजाज और ट्रायम्फ की तरफ से 350cc की अपकमिंग रेट्रो डिजाइन और स्टाइल वाली बाइक। ये बाइक काफी बार इंडिया में भी टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट हो चुकी है, जिसके अंदर प्योर रेट्रो डिजाइन और स्टाइल दिया गया है। और ये बाइक बजाज और ट्रायम्फ की पार्टनरशिप के साथ में लॉन्च होगी, जिसका एक्शोरूम प्राइस 2 लाख रुपए के आसपास होगा। बाइक में 350cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी पावर 30 PS के आसपास होगी और टॉर्क आउटपुट भी 30 Nm के आसपास होगी। बाइक के अंदर 6-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। टेस्टिंग के टाइम पे बाइक काफी बार स्पॉट हो चुकी है, जिसकी वजह से बाइक के लुक्स, ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल बिल्कुल एकदम रिवील हो चुका है। सो बाइक में रेट्रो डिजाइन और स्टाइल वाली राउंड शेप्ड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी। बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है और जब ये बाइक स्पोर्ट हुई थी तो इसके अंदर टूरिंग एक्सेसरीज भी देखने को मिली थी। बाइक में काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे, जो ब्लॉक पैटर्न टाइप के टायर्स होंगे। बाइक में काफी मिनिमलिस्टिक टाइप के राउंड शेप्ड LED इंडिकेटर्स हैं, जिसकी वजह से बाइक के फ्रंट लुक्स देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बाइक में राउंड शेप्ड LCD डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा, टीयर ड्रॉप शेप मस्कुलर फ्यूल टैंक होगा और बाइक में सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगी। और बाइक की सबसे बड़ी USP ये होगी कि इसके अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स होंगे, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। और लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो बजाज और ट्रायम्फ इस बाइक को जनवरी से फरवरी 2023 के आसपास लॉन्च करने वाले हैं। जो बाइक टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हुई थी वो बिल्कुल एकदम प्रोडक्शन रेडी मॉडल थी, सो इसी वजह से इस बाइक के लॉन्च होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बाइक 2023 के स्टार्टिंग में ही आ जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड नंबर पे 2 बाइक्स हैं और दोनों बाइक्स हार्ले डेविडसन की तरफ से हैं। हार्ले डेविडसन बहुत जल्द अपनी 350cc और 500cc रेट्रो स्टाइल वाली बाइक्स को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लेके आने वाली है और इन दोनों बाइक्स का डिजाइन और स्टाइल भी काफी हद तक रिवील हो चुका है। दोनों बाइक्स के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा, दोनों बाइक्स में सिंगल पीस सीट होगी, राउंड शेप्ड LED हेडलाइट होगी, बाइक में प्योर रेट्रो डिजाइन और स्टाइल होगा। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में ट्विन डिस्क ब्रेक होंगी, रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होगी, जिसके साथ में स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS भी आएगा। दोनों बाइक्स में काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स होंगे और दोनों बाइक्स का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल लग रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों बाइक्स का नाम होगा X350 और X500। X350 के अंदर 350cc का लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 30 PS के आसपास होगी और 30 Nm के आसपास ही बाइक की टॉर्क आउटपुट होगी, जिसके साथ में 6-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। X500 के अंदर 500cc का लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, जिसकी पावर 47.5 PS के आसपास होगी और 46 Nm के आसपास बाइक की टॉर्क आउटपुट होगी, जिसके साथ में 6-स्पीड गियरबॉक्स होगा। सो दोनों बाइक्स के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स आने वाले हैं, जैसे कि अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, ऑल LED लाइट्स का सेटअप, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, प्योर रेट्रो डिजाइन और स्टाइल। और दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में अगर बात करें तो X350 का एक्शोरूम प्राइस 3 लाख रुपए के आसपास होगा और X500 का एक्शोरूम प्राइस 5 से 6 लाख रुपए के आसपास होगा। हार्ले डेविडसन X350 और X500 को मार्च के आसपास इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लेके आएगी। अब बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में, जो है रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650। सुपर मीटियोर 650 का डिजाइन और स्टाइल बिल्कुल एकदम रिवील हो चुका है और रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया है। इस बाइक का बस लॉन्च होना ही बाकी है। सो बाइक का एक्सपेक्टेड एक्शोरूम प्राइस है 3,40,000 के आसपास। बाइक के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स आएंगे, ऑल LED लाइट्स का सेटअप आएगा, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा और बाइक में वही सेम 648cc का ट्विन सिलेंडर इंजन होगा, जिसकी पावर 47 PS के आसपास होगी और 52 Nm के आसपास टॉर्क आउटपुट होगी, जिसके साथ में 6-स्पीड गियरबॉक्स होगा और असिस्ट एंड स्टिपर क्लच भी बाइक में होगी। फ्रंट में 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स होंगे, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, 320mm की बाइक में फ्रंट डिस्क ब्रेक होगी और 300mm की रियर में डिस्क ब्रेक होगी, जिसके साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS आएगा। बाइक में 100 सेक्शन का फ्रंट टायर होगा और 150 सेक्शन का रियर टायर होगा। सीट हाइट होगी 740mm की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी 15.7 लीटर्स की। और रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 को जनवरी से फरवरी 2023 के आसपास इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है। अब बात करते हैं फोर्थ रेट्रो स्टाइल वाली अपकमिंग बाइक के बारे में, जो है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 का 2023 मॉडल। ये बाइक भी टेस्टिंग के टाइम पे काफी बार स्पोर्ट हो चुकी है। ये बाइक मीटियोर 350 और क्लासिक 350 के साथ जे सीरीज वाला इंजन शेयर करेगी, जो 350cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन होगा, जिसकी पावर होगी 20.4 PS
और टॉर्क आउटपुट होगी 27 न्यूटन मीटर की, जिसके साथ में 5 स्पीड गियर बॉक्स होंगे। बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन होंगे, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होंगी, जिसके साथ में स्टैंडर्ड डुअल चैनल ईबीएस होगा और बाइक में सिंगल चैनल ईबीएस का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर हमें काफी सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि बाइक का फ्रंट और रियर मडगार्ड थोड़ा बड़ा होगा और इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप की फ्यूल कैप देखने को मिलेगी और एक ज्यादा अच्छी वाइड सिंगल पीस सीट होगी। बाइक में स्लीक टीयर ड्रॉप शेप मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और मिड सेट फुट पैक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल रहेगा। और बाइक में सर्कुलर शेप एलईडी टेल लाइट देखने को मिलेगी और राउंड शेप्ड ही इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इस बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम भी आएगी और बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स ही देखने को मिलेंगे। और रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 के 2023 मॉडल का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,80,000 और बाइक का ऑन रोड प्राइस 2,00,000 रुपए के आसपास होगा। फिफ्थ अपकमिंग बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है होंडा की रिबेल 300 और रिबेल 500। होंडा अपनी रिबेल सीरीज को इंडियन टूलर मार्केट में बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाली है। दोनों बाइक्स के अंदर काफी अच्छा प्योर रेट्रो डिजाइन और स्टाइल है। रिबेल 300 का एक्सशोरूम प्राइस 2,50,000 के आसपास होगा और रिबेल 500 का एक्सशोरूम प्राइस 4,50,000 के आसपास होगा। दोनों बाइक्स के लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक सिमिलर टाइप के ही है, क्योंकि दोनों बाइक्स में वही सेम टाइप की राउंड शेप्ड एलईडी हेडलाइट है, राउंड शेप्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। दोनों बाइक्स के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होगी, जिसके साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ईबीएस होगा। रिबेल 500 के अंदर 471 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, जिसकी पावर होगी 46 पीएस के आसपास और टॉर्क होगा 44 न्यूटन मीटर के आसपास, जिसके साथ में 6 स्पीड गियर बॉक्स होगा और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी होगी। दोनों बाइक्स के अंदर 41mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं। और रिबेल 300 के अंदर 286 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, जिसकी पावर होगी 30 पीएस के आसपास और टॉर्क आउटपुट होगी 27 न्यूटन मीटर के आसपास, जिसके साथ में 6 स्पीड गियरबॉक्स होगा और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी होगी। होंडा इन दोनों बाइक्स को इंडियन टूलर मार्केट में 2023 के स्टार्टिंग में भी लेके आ सकती है और 2023 के मिड तक भी लेके आ सकती है, क्योंकि होंडा अब इंडियन टूलर मार्केट में अपनी 500 सीसी सेगमेंट की बाइक्स को इंट्रोड्यूस करने वाली है और उसके साथ में रिबेल 300 भी आ सकती है। सिक्स बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है बेनेली की लियोन सिनो 800। बेनेली की लियोन सिनो 800 भी एक काफी अच्छी प्योर रेट्रो डिजाइन और स्टाइल वाली मशीन है, जिसके अंदर राउंड शेप्ड एलईडी हेडलाइट है, गोल्डन फिनिश्ड प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है, फ्रंट में ट्विन डिस्क ब्रेक है, रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक है, जिसके साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ईबीएस है। बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, सिंगल पीस सीट है। इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस 6,50,000 के आसपास देखने को मिलेगा और बाइक में 754 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर 82 पीएस के आसपास होगी और 67 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क होगा और काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स आएंगे। ये बाइक रेट्रो स्टाइल वाली सेगमेंट में एक काफी अच्छी प्रीमियम टाइप की मशीन है, जो एक सुपर बाइक है और सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। बाइक में TFT डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप दिया गया है और ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में 2023 के स्टार्टिंग में भी लॉन्च हो सकती है और 2023 के मिड तक भी आ सकती है। सो दोस्तों, ये थी रेट्रो डिजाइन और स्टाइल वाली अपकमिंग बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में 2023 में लॉन्च होने वाली है। आप कौन सी रेट्रो डिजाइन और स्टाइल वाली बाइक का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा वेट है बजाज और ट्रायम्फ की अपकमिंग रेट्रो स्टाइल वाली बाइक का, क्योंकि ये बाइक काफी हद तक रिवील भी हो चुकी है और इस बाइक के लॉन्च होने में ज्यादा टाइम भी नहीं है और बाइक की मैन्युफैक्चरिंग ट्रायम्फ के अंडर होगी, प्रीमियम फीचर्स भी होंगे। सो ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को काफी अच्छा टफ कंपटीशन दे सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।